केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दो दिवसीय के प्रवास पर मुरैना जिले के पोरोसा विकासखंड में शासकीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक सूचना मिली कि मुरैना विकासखंड के ग्राम सिलगिला में अचानक आग फैल गई है और वहां किसानों की खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री तत्काल मुरैना विकासखंड के ग्राम सिलगिला पहुंचे और प्रशासन को दिशा निर्देश देकर जल्द ही फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से कोई भी पशु हानि और जनहानि नहीं हुई है, तो वहीं कृषि मंत्री ने फसल हानि का सर्वे करने के निर्देश राजस्व अधिकारी को दिए हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। हरियाणा के उद्यान विभाग द्वारा 8वां सब्जी एक्सपो 2022 9 से 11 अप्रैल तक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल में आयोजित किया गया, जहां कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। मैडम, ये गमले हैं, इसके अंदर आप कोई भी सब्जी के क्रॉप लगानी है या आपने कुछ भी नर्सरी तैयार करनी है, आप एक महीना पहले इसमें तैयार कर सकते हो। पहले किसान प्लास्टिक में तैयार करता था, जो हमारे खेतों में जाता था और हमारे खेतों में नुकसान भी करता था। अब बाहर से हमको ना ला के अपने गौशाला या अपने घर का ही गोबर लिया, सांचे में डाल के इससे हम तैयार कर सकते हैं। इससे किसान की खर्चे भी कम होंगे और इनकम भी ज्यादा होगी। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021 और 2022 के दौरान लगभग 20% बढ़कर 50.21 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान चावल का निर्यात कृषि जिन्सों में 9.65 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सबसे आगे रहा। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 9.35% ज्यादा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त कभी भी किसानों के अकाउंट में आ सकती है। ऐसे में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी किसान ई-केवाईसी करवा ले। 11वीं किस्त से पहले सरकार ने ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आपको बता देंगे, पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 मई 2022 कर दिया गया है। कुल्लू जिले में पिछले 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में खेतों में बिना नमी के रबी फसलें सूखने लगी हैं। एक सप्ताह के भीतर बारिश नहीं हुई तो नुकसान और अधिक हो सकता है। जिले में नकदी फसल मटर का सीजन अमूमन अप्रैल के पहले पखवाड़े में शुरू हो जाता है। इस बार लगभग 60% हरे मटर की फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई। इस कारण किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत में खेती के बाद किसानों के लिए आय का सबसे बड़ा सोर्स पशुपालन है। इनमें भी सबसे ज्यादा पशुपालक गायों का ही पालन करते हैं। आमतौर पर विशेषज्ञ पशुपालकों को सबसे ज्यादा जर्सी गाय के पालन की सलाह देते हैं। इस गाय को दुधारू गायों में से एक माना जाता है। जर्सी गाय आमतौर पर रोजाना 12 से 15 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इस गाय का रंग हल्का पीला होता है, जिस पर सफेद रंग के चित्ते बने रहते हैं। वहीं किसी जर्सी गाय का रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। साथ ही इस गाय का सिर छोटा, पीठ और कंधा एक लाइन में होता है। बकरी पालन व्यवसाय के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। सरकार इसके व्यवसाय के लिए 90% वित्त पोषण भी देती है। इसके अलावा हरियाणा में मवेशियों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि बकरी पालन व्यवसाय के लिए दो तरीकों से लोन प्राप्त किया जा सकता है। बिजनेस लोन ऑपरेशंस के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरा बकरी होल्डिंग्स। एक व्यापार ऋण, एक बंधक ऋण से 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसके अलावा बैंकों द्वारा बकरी पालन के लिए 26 लाख रुपए तक का भी लोन दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात से गेहूं की फसल पर भारी मार पड़ रही है। इससे गेहूं का उत्पादन 25% तक घटने की आशंका है। गेहूं प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल है। लंबे समय से बारिश न होने से राज्य में गेहूं के दानों का आकार नहीं बढ़ पाया है। मैदानी इलाकों में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से गेहूं की कटाई का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में बारिश नहीं होती है तो तैयार फसल खराब होने का डर भी किसानों को सताने लगा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में IMD ने देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।